चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुंबई में आफत वाली बारिश की। मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कल शनिवार का दिन है, जरूरी हो तो ही आप घर से निकलिए, नहीं तो घर पर ही रहें। और आज हुई करीब 125 मिलीमीटर बारिश में ही मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब गए। ऐसी आशंका है कि कल 200 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो अब ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए कि कल क्या हाल होगा, और अगर नहीं तो फिर आज की बारिश में मुंबई की जो हालत आपने देखी होगी, और अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ये बारिश किस तरह से आफत लेकर आ सकती है। दिल्ली के बाद मुंबई पर आफत की बारिश, मॉनसून का ब्रेक फेल, मुंबई पर लगा ब्रेक। मॉनसून की बारिश में घुटनों तक डूबी मुंबई। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधान मुंबई। फिर वही जुलाई का तीसरा हफ्ता है और मुंबई में मूसलाधार आफत बरस रही है। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से मुसाफिरों को फिर से वही पुराना डर सताने लगा है। उस पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी है। सुबह शुरू हुई हल्की बारिश दोपहर होते होते पीट पीट कर बरसने लगी। पहले दो घंटे में ही कई इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से लो लाइन इलाके पानी में डूब गए। मुंबई एक बार फिर सड़कों पर तैरने लगी। कई जगह ट्रैक पर पानी भरने से लोकल पर कुछ देर के लिए ब्रेक लग गया। बीएमसी के दावे एक बार फिर मॉनसून की बारिश में बह गए। लाइन की सड़कों पर सैलाब में कहीं डूबते कहीं तैरते तो कहीं गाड़ी को धक्का मारते लोग दिखे। घुटनों भर पानी में एक कदम चलना मुश्किल हो गया। स्कूटी बंद हो गई और बाइक को धक्का लगाना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। जब स्कूल गए थे तो हल्की बारिश थी और जब छुट्टी की घंटी बजी तो सड़कों पर समंदर था। बीएमसी वाले पंप लेकर पानी निकालने के लिए जूझते नजर आए। लोगों को इसके चलते खासा मशक्कतों का सामना। आप क्या कुछ कहेंगी, कहाँ से आप स्कूल से ला रहे हैं? हाँ, स्कूल। तो इतना पूरा चल के आई हैं, कितना फीट पानी है आगे? कितना कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ से चल के आना। आप लोग स्कूल से आ रहे हैं? डर नहीं लगा कि रस्ते में पूरा पानी भरा है? तो अगर आप तस्वीरें देखिए तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से लाया जा रहा है। कल छुट्टी दी गई थी स्कूल बारिश के चलते। हाँ, आप लोगों को वापस स्कूल लेके जाना पड़ा था। हाँ, डर लगता है इससे पानी में चलता। हाँ, डर लगता है, चलता नहीं, कहीं गटर खुला हो। हाँ। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस जल भराव वाली सड़क से चलकर आते हैं। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाएंगे कि पानी तो भरा हुआ है, साथ ही जो बरसात है मुंबई में वो थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अगर ये बरसात लगातार जारी रही तो ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं ये और ज्यादा बदतर हो सकती है। अंधेरी इलाका तो सायन से भी ज्यादा डूबा था। अंधेरी सबवे बारिश के पानी में डूब गया। सड़कों पर नालों का पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी की तेज धार बह रही हो। बीएमसी की पानी को सब्वे में जाने से रोकने की तमाम कोशिश तेज धार में बेकार हो गई। घंटे भर की बारिश में पूरा अंधेरी इलाका डूब गया और मुसाफिर तैरने लगे। कुर्ला में दो घंटे में 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई,
जिससे हार्बर लाइन पानी में डूब गया। ट्रैक पर पानी भरने से आधे घंटे के लिए ट्रेन की आवाजाही बंद करनी पड़ी। सड़कों पर भी लोगों की मुश्किलें कुछ कम नहीं थी। घुटनों भर पानी में जगह जगह गाड़ियां बंद हो गईं। बाइक वाले, ऑटो वाले, स्कूटी वाले, कार वाले सब धक्का मारते ही नजर आए। मैं मुंबई के कुर्ला स्थित LBS रोड पर हूं और यहां पर 1.5 से 2 फीट का वाटर लॉगिंग है और जिसके चलते आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसा मानो कि पूरी सड़क ही तालाब में तब्दील हो चुकी है। आपको ये भी दिखा दें कि दूसरे साइड की सड़क से आप देखिए, वहाँ पर इस जगह से ज़्यादा पानी भरा हुआ है और इसी वजह से पानी डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है। इसी जल जमाव के चलते इस पूरे इलाके में हैवी ट्रैफिक जाम है। चूँकि आज मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट इशू किया था और लोगों से कहा भी था कि आज के दिन मुंबई में बरसात हो सकती है, ज़रूरत न होने पर घर से बाहर ना निकलें। मैं आपको वहाँ दिखाना चाहूँगा कि गटर खोल दिए गए हैं ताकि पानी यहाँ से निकल जाए और जितनी जल्दी पानी का निकास यहाँ से होगा ये सड़क से पानी निकल जाएगा और फिर ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो पाएगी। लोगों की गाड़ियाँ पानी की वजह से बंद पड़ जा रही हैं और इसी वजह से लोगों को धक्का मार के इस इलाके से बाहर निकलना पड़ रहा है। विजुअल्स में भी देखिए कि ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है और जिसे धक्का देकर यहाँ से निकाला जा रहा है। कुर्ला के निचले इलाके नेहरू नगर में सड़कों पर बहता पानी सरकारी स्कूल के अंदर घुस गया। पानी इतना बढ़ गया कि स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। तिलक नगर में ऐसा ही कुछ मंजर था। लोग पानी में अपनी गाड़ी दौड़ाते रहे। जिनकी गाड़ी निकल गई वो आगे बढ़ गए, जिनकी अटक गई वो फंस गए। मौजूद है मुंबई के कुर्ला तिलक नगर स्टेशन के बाहर। यहाँ पर वाटर लॉगिंग बड़े पैमाने पर हुई है। पानी के निकासी के लिए 2 बड़े पंप यहाँ पर BMC ने लगाए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। एक लेन से जो है गाड़ियाँ आ रही है, हालांकि यहाँ पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है आवाजाही के लिए, लेकिन जो चैम्बूर की तरफ जाने वाले लोग हैं उनके लिए इस वाटर लॉगिंग के कारण जो है परेशानी ज़रूर हो रही है। तस्वीर सिर्फ इस इलाके की वाटर लॉगिंग की एक जगह की नहीं है, बल्कि कुर्ला में सायन में वाटर लॉगिंग हुई थी। उसके अलावा चार रास्ता में वाटर लॉगिंग हुई थी और मानखुर्द और कुर्ला में रेल पटरियों के बीच पानी भर गया था, जिसके कारण एहतियातन करीबन आधे से पौने घंटे हार्बर लाइन की ट्रेनें जो है कुर्ला से मानखुर्द के बीच में। किंग सर्किल, गांधी मार्केट, हर तरफ वाटर लॉगिंग से लोग जूझते नजर आए। उस पर से भारी बारिश। हालांकि BMC अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पे हैं, फील्ड में हैं और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अगर जो बारिश पड़ी है पिछले 3-4 घंटों में 125 मिलीमीटर की, उस पर जो पानी जमा हुआ है, हम अब सिर्फ 250 पंप चालू किए हैं हमने पूरे मुंबई में और अगले 1 घंटे में हम सारा पानी। सरकार से एक आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आज और कल ऑरेंज अलर्ट है और हैवी रेनफॉल की आशंका है, जिसमें मतलब कि 200 से 250 मिलीमीटर बहुत पड़ सकता है। आज सुबह 125 मिलीमीटर पानी पड़ा है, कल 200 तक पड़ सकता है। इसलिए आप सबको मेरी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अर्जेंट काम हो तो आप घर से बाहर जाइए। मुंबई को अभी डूब कर ही चलना होगा। अगले 24 घंटे हैवी रेन की चेतावनी है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ में भारी बरसात से कोहराम मचा है। अगले 24 घंटे बारिश का रेड अलर्ट है। रायगढ़ में अंबा नदी सड़कों पर बह रही है। सड़क की दोनों तरफ लोग फंसे हैं। अंबा नदी के पानी में निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। रायगढ़ पर मॉनसून का कहर जारी है। इस वक्त हमें रायगढ़ जिले के पाली इलाके में और यहाँ पर अंबा नदी पूरे उफान पर है। अंबा नदी का पानी अब सड़क पर आ गया है। सामने जो आप तस्वीरें देख रही है ये रास्ता पाली को मुंबई गोवा हाईवे से कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, लेकिन पानी का तेज बहाव अब इस ब्रिज पर से बह रहा है। इस रफ्तार को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कितनी तेज रफ्तार से यहाँ पर ये जो लहरें हैं
वो बह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।